अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चूही, ये जूते कहाँ इतने गंदे कर दिए, कितनी मिट्टी लगी हुई है इसमें। दादी वो हम बाहर खेल रहे थे ना, तो लग गई होगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी साफ करवा देती हूँ। रूही बेटा एक काम करो, ये टिश्यू ले लो, जूही के जूते साफ कर दो। दादी जूही के शूज गंदे, तो वो खुद साफ कर लेगी। हाँ दादी मैं खुद कर लूंगी। तब तक पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। रूही बेटा तुम तो अभी नाश्ता भी नहीं कर रही हो, इसने तो नाश्ता शुरू कर दिया, बहन है ना तुम्हारी, चलो साफ कर दो जूते। दादी मैं बात नहीं कर लूंगी, रूही को नाश्ता दे दो। दादी आप तो मुझे देना भूल गई। अच्छा तो तुम्हें भी चाहिए। नीचे गिर गया बेटा, तुम्हारी मम्मी कहती है ना कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसे उठाओ और खा लो। लेकिन दादी मम्मी तो कहती है कि नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाते, क्योंकि उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया होता है। फर्श तो बिल्कुल साफ है ना बेटा, कोई गंदगी नहीं है फर्श में, उठाकर खा लो। बेटा आपको यह खाने की जरूरत नहीं है। आप ये खा लो। चलो हम बाहर गार्डन में खाते। ये क्या था मां? पहले भी समझा चुका हूं, अब आखिरी बार समझा रहा हूं। रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी, उसके साथ इस तरह नौकरों से भी बदतर बर्ताव मत कीजिए। वो ना तुम्हारी बेटी है निहार और ना ही मेरी पोती, एक सड़क से उठाई हुई बच्ची है, और सड़क के बच्चे ऐसे ही जमीन में पड़ी हुई चीजों को खाते हैं। मॉम, इस जमाने की होकर भी इतनी घटिया सोच आप कैसे रख सकती है, हद करती है आप। आपसे बहस नहीं करनी मुझे, आप रूही को प्यार नहीं दे सकती, मत कीजिए, लेकिन कम से कम उससे नफरत भी मत कीजिए आप। माँ को रूही को अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगेगा मुझे, ये गलत फहमी है तुम दोनों की, मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खाने के अंदर इतना तेल आया कहां से? नारियल के तेल की महक। नारियल का तेल खाने में कैसे आया? डॉक्टर ने दिशा को नारियल का तेल खाने के लिए कहा है क्या? किचन में तो नारियल का तेल नहीं है, यहाँ पे तो खाना या तो ऑलिव ऑयल में बनता है या सरसों के तेल में, फिर नारियल का तेल इसमें कैसे आया?
दिशा ने मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद ही तो खाने में नारियल का तेल नहीं मिला दिया। नहीं नहीं, वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। दिशा पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अरे मैं तो पानी लाना भूल ही गई। तुम तब तक खाना खाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। इतना रूखा सूखा खाना। अभी तो बाल बाल बच गई, लेकिन लेकिन बहुत भूख लगी है, क्या करूं? कुछ ऑर्डर करती हूँ। क्या ऑर्डर? बर्गर ऑर्डर करती हूँ। हो गया। एक काम करती हूँ, पहले बर्गर खा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि किन दवाइयों का क्या करना है। एक सेकेंड। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने? 1, 2, 3। थ्री। आंसर क्या हुआ? यानी थ्री। यस। वाओ आंटी, आपने तो कितने सिंपल तरीके से समझा दिया। दिशा की ऐसी हालत करके उसकी बेटी को फुसला कर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ माँ, प्लीज बच्चों के सामने तो ऐसा मत कहिए, मैं बस उसका होमवर्क करवा रही थी। क्यों ना बोलूँ ऐसा? कम से कम इसे भी तो पता चले कि इसकी माँ की ऐसी हालत किस वजह से हुई है। बस पूनम बस, तुम क्यों बेकार में हमेशा रुचिता के पीछे पड़ी रहती हो? अरे दिशा बीमार है, अगर रुचिता ने पिंकू की पढ़ाई में जरा सी मदद कर दी तो कौन सी आफत आ गई? उमा जी प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाए। एक निहार अकेला घर में काफी है इसकी तरफदारी करने के लिए। और रही होमवर्क की बात, तो वो मैं करा दूंगी पिंकू को। दादी आप ठीक से समझा नहीं पाती। क्या छोड़ो इस बात को पूनम, ये मंगलसूत्र मुझे बाहर कॉरिडोर में पड़ा मिला। किसका है? ये तो दिशा का मंगलसूत्र है। मुझे अब तुम बताओगे रुचिता कि कल रात क्या हुआ था इस घर में? देखा माँ जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कैसे चली गई? लेकिन मैं भी सच का पता लगा कर रहूंगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।